मैं निधि शर्मा, खबर इंडिया। आप देख सकते हैं मेरे साथ आज मैं आई हूँ न्यायखंड, न्यायखंड फर्स्ट में। और इतना गंदा गटर भरा हुआ है यहाँ पे, कम से कम 5 गटर इस तरह से भरे हुए हैं और इतनी गंदगी है। आप देखिए मेरे पीछे, मैं दिखाती हूँ आपको कितने गंदे गटर भरे हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे लोग बाग रहते हैं, इतने लोग रहते हैं कि आप गिनती नहीं कर सकते। और ये सारे GDA के क्वार्टर, जो नगर निगम के अधिकारी हैं वो आए हुए हैं फिलहाल यहाँ पे। और मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए मेरे पीछे जो बच्चे बैठे हैं ना, यहाँ के बगल में नालियाँ दिखाती हूँ। ये नालियाँ देखिए, नालियाँ दिखाइए, ये नालियाँ देखिए कितनी भरी हुई नालियाँ हैं ये। और यहाँ पे ये बच्चे हैं, आप सोच सकते हैं। गटर भी दिखाते हैं ना, गटर दिखाइए, गटर, ये गटर की व्यवस्था है। मैं आपके यहाँ के, ये इतना गंदा यहाँ पे है, सोचिए यहाँ पे, ये यहाँ के लोग इतनी कंप्लेंट कर चुके हैं, जिन्हें हम बता चुके हैं। और मैं आपके यहाँ के लोगों से बात कराती हूँ, आप आइए। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाहूँगी, ये जो इतनी गंदगी है ये कब से है, और आप लोगों ने कभी GDA में प्रशासन को या कहीं कंप्लेंट दी है या नहीं दी है? पड़े आदमी, हम तो वहाँ कुछ कह नहीं सकते, कहाँ कहे खाना कहे, गंदगी तो हमेशा ही है, इसलिए इसकी सफाई होनी चाहिए। ये सीवर भी एक हफ्ते में आज कुछ करते नहीं, अभी तो खाली और भी साफ हो गई नहीं देखते। अच्छा, आप लोग कंप्लेंट करते हैं, 5 दिन पहले कंप्लेंट दी है, 5 दिन पहले दी है, इन्होंने 5 दिन पहले कंप्लेंट दी है, उसकी सुनवाई नहीं हुई है। जो कि नगर निगम आज GDA जो आया है वो भी मेरे फ़ोन पे आया है, मेरे बुलाने पे आया है। मैं आपके यहाँ पे एक GDA के भैया हैं, उनसे बात कराती हूँ। आइए, आज ही है, आज का है। तो इनका ये कहना है कि कंप्लेंट आज ही और आज ही तुरंत ही आ गए, तो मैं यही कहूँगी इतनी हो रही है यहाँ पे, इनका क्या कारण है? इसका कारण है जी, जागरूकता और जागरूकता। तो जागरूक किस प्रकार हो, कैसे जागरूक हो, कुछ बताएंगे? सर मीडिया तो आ गई है, अब ये बताइए मीडिया के आने से क्या ये गंदगी साफ होगी? तो आपको सफाई हो जाए। अब क्या काम करते हैं?